गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जीएसटी बिल के बारे में। आज की वीडियो में हम जानेंगे जीएसटी बिल के बारे में ए टू जेड, जैसे कि बिल टू शिप टू क्या होता है, कंसाइनर कंसाइनी क्या होता है, जो हम टैक्स रेट निकालते हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, और भी जो आपके जीएसटी बिल से रिलेटेड डाउट होंगे वो सारी इस वीडियो में आपके कवर होने वाले हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई डाउट रहने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास किसी पार्टी का बिल है, यहाँ पे ये टैक्स इनवाइस लिख के आता है, यहाँ पे फॉर्म का नाम, ये एड्रेस, यहाँ पे स्टेट कोड रहेगा, जो भी आप जिस भी स्टेट में काम कर रहे हैं, ये यूपी स्टेट का है तो 09 स्टार्ट है, यहाँ पे आपकी फॉर्म का जीएसटी नंबर रहेगा, यहाँ पे इनवाइस नंबर रहेगा जो आपके बिल में प्री प्रिंटेड रहेगा, पहले से ही लिखा रहेगा, मान लेते हैं यहाँ पे इनवाइस नंबर एक है। यहाँ पे आप जिस भी डेट का कोई बिल काट रहे हैं उस डेट का आप डेट डाल देंगे। मैं आज की डेट डाल देता हूँ, ये मैंने आज की डेट डाल दी है। यहाँ पे जिस भी पर्सन को आप अपना सामान बेच रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं उसका यहाँ पे नेम आएगा। सपोज कोई पर्सन है पीएश गुप्ता, मैंने यहाँ पे पार्टी का नाम लिख लिया, उसका एड्रेस आप यहाँ पे लिख देंगे, जो भी उसका एड्रेस होगा। यहाँ पे आप उसका मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं, और उस पार्टी का ये आप स्टेट कोड छोड़ भी सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। अगर उस पार्टी के पास जीएसटी नंबर है तो आप यहाँ पे उस पार्टी का जीएसटी नंबर टाइप कर लेंगे। तो पहला डाउट ये रहता है लोगों का, अगर यहाँ पे किसी पार्टी का नाम नहीं रहेगा, हमने कैश में सामान बेच दिया है, हमने कोई सामान बेच दिया है और उसका हमें पैसा मिल गया है, तो आप यहाँ पे कैश भी लिख सकते हैं या बैंक भी लिख सकते हैं। अगर आपके बैंक में पैसा आ रहा है डायरेक्ट और आप उसको सामान दे रहे हैं तो आप कैश या बैंक दोनों भी कुछ इसमें से भी कुछ भी यूज कर सकते हैं। कैश आ रहा है तो कैश यूज करिए, बैंक आ रहा है तो बैंक यूज कर सकते हैं। अगर किसी पार्टी का नाम लिखना है तो पार्टी का नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर उसका जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर मेंशन करिए। अगर उसके पास जीएसटी नंबर है तो आपको जीएसटी नंबर के साथ उसका नाम भी यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ताकि आप अपनी जीएसटीआर रिटर्न्स में इसको प्रॉपरली फाइल कर सकें। देखो, कभी ऐसा होता है कि कोई पार्टी आपसे सामान परचेज का ऑर्डर देती है और ये कहती है कि आप सामान मेरे को ना देते हुए आप किसी थर्ड पर्सन, मेरे भी आप में किसी थर्ड पर्सन के यहाँ पे या किसी दूसरी जगह में आप मेरा सामान भेज दीजिए, तो आप जिसने आपको ऑर्डर किया है आप यहाँ पे बिल में उसका नाम एंटर करेंगे, यहाँ पे जीएसटी उस पार्टी का एंटर करेंगे जिसने आपसे सामान खरीदा है, एड्रेस उसका मेंशन करेंगे, और यहाँ पे जहाँ पे वो कह रहा है कि जिस पार्टी को या जिस भी पर्सन को या जिस जगह में आपने सामान भेजना है उन पार्टी का यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे उसका एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पे उसका स्टेट, और यहाँ पे उस पार्टी का अगर जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर आप मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में, आप डाल देंगे, मान लीजिए आप कोई आप बैटरी आप सेल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे बैटरी जो भी उस कंपनी का नाम है उसको लिख सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है एचएसएन कोड। एचएसएन कोड एक कोड होता है, कोई भी प्रोडक्ट होता है उसका एक स्पेसिफिक कोड, एक यूनिक कोड गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है। ये कोड आपने जो परचेज किया है, ये गुड्स परचेज किए हैं, उस बिल में आपको एचएसएन कोड इस प्रोडक्ट का मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इस कोड को ले सकते हैं। अदरवाइज आप गूगल भी कर सकते हैं, गूगल पे भी आपको एचएसएन कोड मिल जाएगा। लेट सपोज 0564 कुछ इस टाइप से कोड होते हैं। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है तो आप 4 डिजिट का कोड यूज़ करेंगे, अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आप 6 डिजिट का कोड यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये कोड आपको अपने जो जीएसटी परचेज इनवॉइस है वहाँ से ले सकते हैं। क्वांटिटी आप देख लेंगे कितनी क्वांटिटी है, यहाँ पे क्वांटिटी मान लीजिए 10 बैटरी आप सेल कर रहे हैं। यूओएम क्या होता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मीन्स आप बैटरी को किस चीज़ में मेज़र करेंगे, कितनी बैटरियाँ जा रही हैं, या फिर जैसे कि नंबर्स में, या कोई कोई सामान आपका बॉक्स में जा रहा है तो बॉक्स लिख सकते हैं, कोई टिन में जा रहा है तो टिन लिख सकते हैं।
इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है नंबर्स, तो हमने यहाँ पे NOS लिख दिया। रेट, एक बैटरी का रेट कितना है, लेट सपोज हम इसका 1000 रुपीज़ रेट ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारी टोटल जो अमाउंट हो गई है वो हो गई 10,000। अगर कोई दूसरा आइटम है तो दूसरा आइटम यहाँ पे लिख सकते हैं, और उसका भी इसी टाइप से क्वांटिटी और UOM रेट और यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। तो हम इस केस में ही देख लेते हैं, हमारे पास एक ही आइटम है। अब इस आइटम पे लेट सपोज हम मान लेते हैं 18% का टैक्स रेट है, तो 10,000 का 18% हम रेट निकालेंगे। पर उससे पहले हमें ये देखना होगा कि जो हमारा स्टेट है वो कौन सा है, और जहाँ हमारा सामान जा रहा है या जिस भी पार्टी का हमारे पास GST नंबर है वो किस स्टेट का। अगर सेम स्टेट का है, अगर गुड्स सेम स्टेट में जा रहा है, तो CGST और SGST लगाएंगे। अगर हमारा जो सामान जा रहा है दूसरे स्टेट में जा रहा है, एक स्टेट अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में जा रहा है, जैसे इस केस में ये वाराणसी मीन्स UP की रजिस्टर्ड फॉर्म है, अगर ये सामान UP से UP में ही जा रहा है तो यहाँ पे CGST और SGST लग जाएगा। अगर UP को छोड़ के किसी अन्य स्टेट में जा रहा है, मीन्स जो आपका होम स्टेट है उस स्टेट को छोड़ के अगर दूसरे स्टेट में आपका सामान जा रहा है किसी भी स्टेट में, तो आपको फिर IGST लगेगा। तो इस केस में हमारा मान लेते हैं अभी ये सामान जो है सेम स्टेट में जा रहा है, तो हम CGST और SGST कैलकुलेट कर लेंगे। तो 10,000 का जो 18% हमने रेट बताया ये डिवाइड हो जाएगा दो में, मीन्स 9% CGST के लिए और 9% SGST के लिए। तो इसका 9% हम देख लेते हैं, 10,000 का 9% ये हो गया 900, और SGST भी हो जाएगा हमारा 900। यहाँ पे टोटल है, इस टोटल को यहाँ पे टोटल कर लेंगे। ये अगर दूसरा आइटम भी होता है तो इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे टोटल आ जाता है, ये हो जाती है हमारी टैक्सेबल वैल्यू। अगर ये अदर स्टेट में चला जाता, होम स्टेट को छोड़ के अदर स्टेट में चला जाता, तो डायरेक्टली हम 18% का जो रेट है वो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर रेट भी हम लिख लेते हैं 9.9%। अगर ये अदर स्टेट होता तो अदर स्टेट में हम 18% यहाँ पर रेट लगा देते हैं। तो इस केस में अदर तो नहीं, सेम स्टेट में जा रहा है, हम ये मान लेते हैं कि सेम स्टेट में जा रहा है, तो हम 9.9% CGST और SGST कैलकुलेट करेंगे, और IGST को हम डैश कर लेते हैं। तो टोटल इनवाइस वैल्यू क्या आ रही है हमारी, 10,000 प्लस 900 प्लस 900, तो ये हो गया 11,800। तो ये हमारी इनवाइस वैल्यू हो गई 11,800। यहां पे हम वर्ड्स में लिख सकते हैं, ये हमने यहां पे वर्ड्स में लिख दिया है, ये जो इनवाइस वैल्यू है। यहां पे जो ऑथराइज्ड पर्सन है वो अपने साइन कर देंगे, तो ये ऑलमोस्ट आपका बिल रेडी हो गया। नॉर्मली जो मैनुअल बिल बुक होती है उसमें 3 कॉपियां होती हैं, फर्स्ट कॉपी जो बायर के लिए होती है, सेकंड जो कॉपी होती है वो ट्रांसपोर्ट के लिए होती है जब ट्रांसपोर्ट में आप सामान जाता है, और जो थर्ड कॉपी होती है वो कंसाइनी के लिए होती है। अगर आप कुछ और डिटेल्स देना चाहते हैं जैसे कि ट्रांसपोर्ट मोड, किस टाइप से आपका ट्रांसपोर्ट जो गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बाई ट्रेन हो रहा है, ये बाई एयर हो रहा है, ये बाई ट्रक्स, तो आप ये यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ बाई रोड हो रहा है, तो आप रोड लिख सकते हैं। यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई, जहाँ सप्लाई हो रही आप उस स्टेट का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे व्हीकल नंबर, जिस भी व्हीकल से आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसका व्हीकल नंबर आप यहाँ पे डाल लेंगे। डेट एंड टाइम ऑफ सप्लाई, तो डेट आप डाल सकते हैं जिस भी डेट में यहाँ पे आपका गुड्स सप्लाई हो रहा है। अभी आपने देख लिया बिल कैसे बनता है, पर प्रॉब्लम लोगों को कहाँ पर आती है, प्रॉब्लम वहाँ पर आती है जैसे कि अगर कोई मैनुअल बिल बना रहा है, कोई कस्टमर उसके पास आता है और वो कहता है कि हमें बैटरी लेनी है, लेट सपोज वही एग्जांपल ले लेते हैं, बैटरी का एग्जांपल ले लेते हैं, ये बैटरी कितने का है। देखो कस्टमर को उस चीज़ का कोई मतलब नहीं रहता कि आप उसे टैक्सेबल वैल्यू बताएं फिर CGST SGST बताएं, उसको इस चीज़ से मतलब नहीं रहता कि आप पहले उसे टैक्सेबल वैल्यू बताएं कि इतना टैक्सेबल वैल्यू रहेगा और फिर आप उस पर CGST इतना रहेगा SGST कितना रहेगा। क्लाइंट बोलता है कि हमें आप फाइनल वैल्यू बताइए, हमें ये अमाउंट, ये जो प्रोडक्ट है कितने का पड़ेगा। तो लेट सपोज ये बैटरी है, बैटरी
आपको ये बताना है कि आपका जो इनवाइस वैल्यू आप कितने में देंगे, मीन्स जो आपकी इनवाइस बनेगी वो कितने की रहेगी। तो आपने एक अमाउंट बता दी, लेट सपोज 12,000, ये आपको 12,000 की बैटरी पड़ जाएगी। अब इस पे मान लेते हैं 18% का ही टैक्स रेट है। आपने 12,000 बता दिया, पर दिक्कत कहाँ पे आती, आपको रिवर्स कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाती है। तो आज हम इस बारे में भी बताएंगे आपको कि कैसे आप बिल्कुल आसान तरीके से रिवर्स कैलकुलेशन करके इसका टैक्सेबल वैल्यू CGST SGST एक्यूरेट निकाल सके, ताकि आपका इनवाइस वैल्यू के साथ मैच हो जाए। अगर ऐसा केस आएगा आपके पास, चाहे कोई सा भी रेट हो, 18% हो, 5% हो, 12% हो, 28% हो, कोई सा भी रेट हो, आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। आपको क्या करना है, जैसे आपने फाइनल रेट 12,000 बता दिया, कोई भी अमाउंट आप ले सकते हैं, और इस पे लेट सपोज अभी 18% का रेट चल रहा है, तो आपको करना क्या है, 12,000 डिवाइड बाय, अगर ये 18% का आइटम टैक्स रेट में फॉल करता है, तो आपको 118 से इसको डिवाइड कर देना है और इनटू 100 कर देना है। तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा, 12,000 डिवाइड बाय 118 इनटू 100, तो ये अमाउंट आ गई 10,169.49, 10,169.49, 49 को इसको 50 कर देते हैं, तो ये आपकी टैक्सेबल वैल्यू आ चुकी है। तो टैक्सेबल वैल्यू जो यहाँ पे लिखनी है आपको, 10,169.50, इस पे आप CGST SGST कैलकुलेट करेंगे, अगर वो सेम स्टेट में जा रहा है सामान, अगर वो दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो आप डायरेक्टली 18% इस पे IGST कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका 99% कितना आता है। तो ये हमारा वैल्यू था 10,169.50, इसका 18% का टैक्स रेट है, तो हम 9% कैलकुलेट करते हैं CGST का, 9%, तो ये आ गया है 915। तो 9,915.25, वैसे ही SGST आ जाएगा 915.25। अब इस तीनों को टोटल करके देख लेते हैं, ये हो गया 10,169.5 प्लस 915.25 प्लस 915 प्लस 2.25। तो ये देखो आपका एक्यूरेट 12,000 की इनवाइस वैल्यू बन चुकी है। तो जो भी आप यहाँ पे अब बैटरी लिखेंगे, और मान लीजिए एक क्वांटिटी है, आप इसका रेट लिखेंगे 10,169.50, तो ये अमाउंट पे भी यहाँ पे आ जाएगा 10,169.50, और ये टोटल वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। आप CGST SGST आपने देख लिया कैलकुलेट करके कैसे करना है। ये कैलकुलेशन होती कैसे है, इस कैलकुलेशन का अगर लॉजिक समझें, ये जो 12,000 का आप इनवाइस वैल्यू बता रहे हैं, इसमें दो कंपोनेंट हैं, एक तो आपका जो टैक्सेबल वैल्यू है प्लस दूसरा टैक्स है, मीन्स एक तो ये वाली वैल्यू है प्लस ये जो दोनों वैल्यू, ये टैक्सेबल वैल्यू और ये जो तो टैक्स है, ये दोनों इंक्लूडेड है। तो टैक्सेबल वैल्यू होती है 100% प्लस इसमें जो टैक्स रेट है 18% का प्लस वो है 18%, तो 100 प्लस 18 ये हो जाएगा 118। जो आपकी इनवाइस वैल्यू है ये है 118%, आपको इसको कैलकुलेट करना है 100% में। तो ये आप क्या करते हैं, 12,000 को डिवाइड करते हैं 118 से, और इसको मल्टीप्लाई, ये 1% आ जाता है। अब जब आप इसको 1% करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये बन जाएगा 100%, और 100% क्या होता है, टैक्सेबल वैल्यू होता है जो हमें कैलकुलेट करना होता है। इसी तरह अगर आपका रेट 5% है, तो आपको क्या करना है, 100 प्लस 5, तो ये हो जाएगा
105, तो कोई भी अमाउंट है इसी अमाउंट को मान लेते हैं, ये इनवाइस वैल्यू है, इसको डिवाइड करेंगे 105, 100 प्लस अगर 5% रेट है तो 105 से कर लेंगे, अगर 12% का रेट है तो 12,000 जो भी आपकी इनवाइस वैल्यू है, ये कुछ भी हो सकती है, एक्स मान लेते हैं इसे, और इसको डिवाइड करेंगे, अगर 12% है 100 प्लस 12 तो 112 हो गया, अगर ये 28% के आइटम है तो आपका जो इनवाइस वैल्यू रहेगा उसको डिवाइड कर देंगे आप 100 प्लस 28%, तो 128 हो गया, इंटू करेंगे 100 तो आपका ये टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगा। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आप जो इनवाइस बनानी है आपको किस टाइप से बनानी है। अगर कोई भी आपके पास इनवाइस वैल्यू आ जाती है तो आप इजीली कैलकुलेट उसका टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे आपको सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेट करना है ये भी आपको पता चल गया, अगर रिवर्स केस में भी आप जाते हैं, अगर फॉरवर्ड केस में डायरेक्टली आपको पता है इसका टैक्सेबल वैल्यू क्या है तो उस पर टैक्स तो आप इजीली निकाल सकते हैं, रिवर्स केस में भी अब आप इजीली अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पूरी कोशिश की है मैंने कि आपको हर पॉइंट क्लियर किया जाए, अगर फिर भी कोई अगर पॉइंट इसमें रह जाता है, अगर कोई भी आपको डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूरी कोशिश करेंगे हम आपका रिप्लाई करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नए वीडियो के साथ हम जल्दी लौटेंगे। थैंक यू।